उत्तर प्रदेश की राजधानी में ज्येष्ठ के बड़े मंगल की गली गली धूम है, लग रहे जय श्री राम के नारे। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी चौक के स्थित लेटे हुए हनुमान जी मंदिर से, जहां पर किन्नर समाज ने बजरंग बली को सुनाए भजन, लगे जय श्री राम के नारे। वहीं हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने डॉक्टर विवेक तांगड़ी मुख्य सेवादार लेटे हुए हनुमान जी से बात किया और जाना आखिरकार आज क्या विशेष कार्यक्रम उनके हनुमान मंदिर में हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि सुबह से ही भंडारे का आयोजन है, वहीं पर भक्तगणों के लिए विशेष कार्यक्रम किए गए और आज जो किन्नरों ने भगवान बजरंग बली जी को भजन सुनाए हैं उससे भक्त भाव विभोर हो गए। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एक तौर आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां आपको पता है आज लखनऊ में जेठ का महामंगल यानी कि सबसे बड़ा मंगल है। आज पहला दिन है आप और आज लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य सेवादार विवेक तांगड़ी जी हमारे साथ, उनसे जानते हैं आज का दिन उनके लिए कितना खास रहा, मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है और आज मंदिर प्रांगण में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हो चुका और क्या बचा है। सर, आपको बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? मंदिर प्रांगण में सुबह मॉर्निंग से कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया और अभी कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, क्या बात? आप सबको भी ज्येष्ठ के प्रथम बड़े मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। हनुमान जी से प्रार्थना रहेगी कि आप सब लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में सब कुछ प्राप्त करें। आज बड़ा मंगल है, लेटे हुए हनुमान जी महाराज में सबेरे 5 बजे से मंगल आरती हुई, उसके बाद 8:30 बजे से सिंदूर लेपन हुआ। जैसा कि आपको बता दें कि ये लखनऊ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर सभी भक्त जो कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती पहनकर आते हैं वो अपने हाथ से अपने बाबा को सिंदूर लगा सकते हैं, पुरुष भक्त। और उसके बाद श्रृंगार हुआ, आरती हुई, भजन कीर्तन हुआ और उसके अब एक बड़ा विशेष कार्यक्रम होने वाला है। हमारे किन्नर समाज की बहनें आएंगी जो यहाँ पर अपना बाबा को बधाई गीत सुनाएंगी और ये एक समाज को एक अच्छा संदेश देना, क्योंकि जैसा कि माना जाता है कि लोग आज के समाज में किन्नरों को उपेक्षित समझते हैं, मंचों पे तो सम्मान कर लेते हैं परंतु हृदय में उनका सम्मान नहीं होता है। लेटे हुए हनुमान जी महाराज के मंदिर से ये पहल हुई है कि चूँकि समाज का हर वर्ग हर व्यक्ति विशेष है और भगवान की आस्था और भक्ति के लिए किसी को भी कोई निषेध नहीं है, तो आज उनके द्वारा बधाइयाँ, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि उनकी बधाइयाँ शुभ होती हैं, तो हमारे लेटे हुए हनुमान जी महाराज के सभी भक्तों के लिए उनसे शुभ मंगल कामनाओं के गीत कराएंगे, सब लोग उनका आशीर्वाद लेंगे हनुमान जी से। पहली बार उनका आगमन हो रहा है? जी, पहली बार हो रहा है और अभी तक इस प्रकार का कार्यक्रम किसी भी मंदिर में आयोजित नहीं हुआ, क्योंकि समाज में हम सब लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं परंतु एक जो स्वीकार करने की बात होती है अंतःकरण से, वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम सब लोग एक दूसरे को स्वीकार करें, समाज के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति करें और मंदिरों का यही वास्तविक उद्देश्य भी है कि मंदिर और जितने भी धर्म स्थल हैं वो जब तक समाज में समरसता का, प्रेम का, भाईचारे का संदेश नहीं देंगे तब तक उनके यहाँ जाकर देव पूजन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार से शाम को यहाँ अभी 4 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा, शशांक सागर भजन गायक है उनके द्वारा। शाम को 7 बजे मथुरा से, वृंदावन से श्री अखिल जी महाराज हैं वो आएंगे, वो हनुमत चरित्र पर अपना सुंदर सा प्रवचन करेंगे और उसके बाद रात को 8:30 बजे महाआरती होगी, 101 दीपों से विशेष हनुमान जी की आरती श्रृंगार होगा और फिर रात्रि को 11:30-12 बजे तक मंदिर खुला रहेगा, सब भक्त आएंगे दर्शन करेंगे और अभी तक 7-8 हज़ार भक्त दर्शन कर चुके हैं, अनुमान से अधिक भीड़ है। हमने तो सोचा था, हम जितने भी ट्रस्टी हैं सबका ये विचार था कि लगता है कि गर्मी की वजह से लोग कम निकलेंगे परंतु बाबा की आस्था और बाबा के ऊपर विश्वास लक्ष्मणपुरी वालों को अनंत है, क्योंकि वो अनंत बलवंत हनुमंत लला हैं, तो जहाँ पे अनंत बलवंत हनुमंत लला होते हैं वहाँ पे गर्मी नहीं होती है।
क्योंकि नासे रोग हरे सपीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। पुनः ढेर सारी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सबको ज्येष्ठ की शुभकामनाएं। सवाल है, जिनको नहीं पता हम जानना चाहेंगे, आप उनको बताइए कि जेठ का मंगल, बड़ा मंगल क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या विशेषता है? ये भी एक धार्मिक संभाव की एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसमें नवाब शुजाउद्दौला जो थे उनके पुत्र नहीं था, तो लोगों ने बताया था, चूँकि वो उनकी जो बेगम थी वो हिंदू थी, तो उनका हनुमान जी के प्रति विशेष आस्था थी, तो उन्होंने कहा था कि हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करेंगे, हनुमान जी के लिए प्रसाद और भोग की व्यवस्था करेंगे यदि पुत्र प्राप्त होगा। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ज्येष्ठ के मंगलों में ही तो उन्होंने अलीगंज का ये जो पुराना बड़ा हनुमान मंदिर है उसका निर्माण कराया, उसके ऊपर छत्र धरा, और उस उनके पुत्र का नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने उस पुत्र के नाम के आगे मंगलू भी रखा था। तो इस तरह से तब से ये प्रथा चालू हो गई। एक बार नवाब साहब बहुत अधिक बीमार थे, तो फिर हनुमान जी की आस्था के प्रति उन्होंने जब माना तो उनकी बीमारी भी दूर हुई, तो उन्होंने छत्र चढ़ाया था, जो आज भी आप देखें तो अलीगंज के हनुमान मंदिर में चांद तारा ऊपर लगा हुआ दिखेगा। तो ये धार्मिक समरसता संभाव का प्रतीक है। हनुमान जी को किसी धर्म और जाति के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि कहा गया बल बुद्धि विद्या देव मोही हरहुं कलेश विकार। तो क्या बल बुद्धि और विद्या केवल एक ही धर्म का व्यक्ति चाहता है? ये तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। तो इसलिए मानना मेरा ये है कि हमारे हनुमान जी जो हैं लक्ष्मणपुरी के कोतवाल हैं और उन्होंने सबकी रक्षा की है। तो हनुमान जी के लिए कहा गया है कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विवेक तांगड़ी, जिन्होंने बताया कि आज जेठ का बड़ा महामंगल जो है, किस तरह से आज का प्रांगण में कार्यक्रम रहा मंदिर प्रांगण में, और सबसे बड़ी बात क्या है, आज जो हम आपको अद्भुत नज़ारा दिखाएंगे किन्नर समाज के द्वारा, जो भजन की प्रस्तुति होगी, हनुमान जी जो सुनेंगे और हम लोग सब लोग दर्शक बन के देखेंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और आगमन हो चुका है, मैं कहूँगी कैमरामैन से कैमरा घुमाइए कि किन्नर समाज का आगमन हो चुका है, ये सब लोग आ रहे हैं भगवान जी को अपने भजन सुनाने के लिए, और अभी आप ही लोगों की बात हो रही थी और सब यहाँ मौजूद हैं यहाँ पर। और ये किन्नर समाज जिनका आप भेंट हो रही है विवेक, डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी से, और इन सबको आमंत्रित किया गया। मैं पूछना चाहूँगी यहीं पर सर प्लीज़, कि कैसा लग रहा है कि आज बड़ा मंगल भी है, आप लोग भजन प्रस्तुत करने आए हैं, भगवान को भजन सुनाने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी देखिए, हमें तो हर चीज़ में भगवान के लिए, महावीर बाबा के लिए तो मैं हमेशा रहती हूँ, गदगद हूँ। आज ये कि मुझे ये मौका मिला है कि भगवान की बधाई, अंजनी पुत्र हनुमान जी की मैं बधाई गाऊँ, और आज पावन दिन है, बड़ा मंगल है, और जिसके उपलक्ष में हमें मेरे गुरुजी ने हमें आमंत्रित किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी बहुत बहुत ये दुआएं आप लोगों के लिए भी, मेरे मीडिया कर्मियों के लिए भी, और हमारे परम पूज्य हमारे महाराज जी, और मैं अपने क्षेत्र और अपने कम्युनिटी की गुरु गुड्डन गुरु, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज मुझे ये अवसर मिला है। हमारी कम्युनिटी भजन कीर्तन तो हर घर गाते हैं, रोज़ रोज़ गाते हैं, हर जगह गाते हैं, लेकिन आज भगवान के पैदाइश में, उनके जन्म के उपस्थिति में आज हम उपस्थित हुए हैं, और जो बधाई गीत गाएंगे वो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और क्योंकि श्री हनुमान जी हमारे अगर ना होते तो राम जी का अस्तित्व अधूरा होता, और अगर किन्नर समाज ना होता तो रामायण पूरी नहीं होती, तो हमारे भगत तो हर जगह अधूरे हैं, और हम ही अर्ध होकर के संपूर्ण करते हैं। आज हमें बड़ा सौभाग्य, हमारी कम्युनिटी को भी बड़ा सौभाग्य मिला, और बहुत बहुत दुआएं मीडिया कर्मियों को और हमारे महाराज जी को, और हमारे साथ में जो भाई हमारे हैं, भगवान उनकी इच्छाओं को सबको पूर्ण करें, कि जो उन्होंने सोचा है, जिस चीज़ को बनाने की सोची है, जहाँ उन्होंने वोट किया है, जहाँ पर उनका मन है, जहाँ पर हमारे भाइयों का मन है, वही उनको भगवान इच्छा पूरी करे। अब राम जी के हाथ डोर है, राम जी ही कसेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
शुरू से तो बात किया, कैसा लगा आपको आज यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, मेरा मन बहुत शांत हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी ने हमको आमंत्रित किया, हमको बुलाया, हमारा इतना सम्मान किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी को बड़े मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मेरी दीदी को भी बहुत तरक्की करे और नाम रोशन करें, इनके बहुत से फॉलोइंग बढ़ें और फ्रेंड्स बढ़ें, इनको आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करूंगी, लव यू। और आपको पता है यहाँ आए हुए सबने बहुत इंजॉय किया और आप लोगों की तारीफ करी कि आज का वातावरण आप लोगों ने इतना बदल दिया है। हाँ तो बस जय, बस बस माता रानी करे, सब ऐसे खुश रहे, मेरे राम जी करे। और मैं दिल से दुआ करती हूँ सभी अच्छे रहें, सभी खुश रहें और दिल से कहती हूँ जय श्री राम। आए हुए भक्तों जानते हैं और साथ में हमारे साथ ट्रस्टी भी है, क्या नाम है? अनीता सिंह। हम यहाँ हो गए, मुझे एक साल तो हो गया। कैसा लग रहा है आज का वातावरण? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, खुद नज़ारा। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बिल्कुल। मैं जगदीश श्रीवास्तव, मंदिर में मैं सेवादार हूँ और यहाँ मैं सेवा करता हूँ। आज कितने भक्तगण आए और किनकी सेवा आपने कर? अभी तक सुबह से करीब 1200 लोग आ चुके हैं, उनको भंडारा खिलाया गया, सुबह भले बाबा का श्रृंगार हुआ, आरती हुई, स्तुतियाँ गाई गईं, फिर भंडारा किया गया। भंडारा लगभग 1200 लोग कर चुके हैं, अभी दिन भर चलेगा। उसके अलावा भी शरबत और ठंडे पानी की व्यवस्था पूरे दिन के लिए है, शाम को फिर भंडारा चलेगा जी। तो ये ट्रस्टी हैं और प्लस ये भक्तगण हैं जो, अच्छा आप भी जुड़े, ये सब सेवादार हैं, ये सब हनुमान जी के सेवादार हैं, उनकी सेवा में रहते हैं 24 घंटे। और आज तो मुझे लगता है ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी, भक्तगण का एकदम आगमन जो है एकदम बम्पर भीड़ है। हम लोग सुबह 6 बजे आ गए हैं, अब रात में 10-11 बजे ही जाएंगे यहाँ से, ऐसे चारों मंगल महल पूरे दिन सेवा देंगे यहाँ जी। बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं एडवोकेट भी हूँ सिविल हाई कोर्ट में, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा आना जाना रहता है भाई, आखिर में न्याय करने वाले ये भी हैं काफ़ी अच्छे से, जाहिर सी बात है हमारा आना होता है, काम से पहले हम इनकी पूजा गए जी। तो ये बड़े मंगल से कुछ यादें हैं आप? जी छोटे थे तब काफ़ी ज़्यादा थी कि पापा लेके आए जाया करते थे, ऐसे भंडारे हमारे लखनऊ वालों को भंडारे तो काफ़ी होते, जैसे आज भी बच्चे करते हैं, स्कूल से छूटते हैं, अब तो स्कूल बंद हो गए, नहीं हम स्कूल से छूटा करते थे तो हम काफ़ी खाया करते थे कि आज चलते चलते हो गया। फिर हमारे यहाँ हम RLB स्कूल से पढ़े हुए हैं, रानी लक्ष्मी बाई Sector 14 से, वो भी काफ़ी ज़्यादा करते थे, क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रू अफजा चने ये सब रहा करते थे, हम लोग काफ़ी खाया करते थे, काफ़ी इंजॉय किया है लखनऊ वालों के लिए यार, इसीलिए तो बाहर जाती है पब्लिक हमारे यहाँ इंजॉय करने, बड़ा मंगल। ये तो आपने देखा है जितने पास के हैं, काफ़ी दूर दूर से गोरखपुर गाजी
दीप और ये सब आते हमारे एंजॉय करने, काफ़ी आपने देखा ही होगा क्योंकि हमारे लखनऊ में ये सारा प्रचलन है और कहीं है भी नहीं। आप जितना बढ़ते जाओगे फैजाबाद अयोध्या तक होता है, उसके बाद देन आप देखते हो कि कहीं नहीं होता है। हाँ या आप हर जगह इक्का दुक्का आपको मिल जाएगा। आप निकलो, जैसे ही निकलोगे आप सुबह से शाम तक ऑफकोर्स चलता है 6-6 बजे तक। आई थिंक मैं जब निकली हूँ काफ़ी टाइम, मुझे लेट नाइट हो गया है, 8-8 बजे तक 9-9 बजे तक लोगों ने किया है। क्योंकि हम लोग सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सब्जी पूड़ी, आपको हर जगह लस्सी से लेके आइसक्रीम तक एवरी थिंग यू विल गेट, एवरी थिंग गोलगप्पे एवरी थिंग वॉट एवर द पीपल हैविंग दे विल सर्व यू बेटर। मतलब कि कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है, कि मतलब लोग अपनी जो भी उनकी श्रद्धा भाव से होता है वो सब देते हैं। भक्त की बात है और लोग उनसे जानते हैं, कुछ लोग तो और भी आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार। ऐसा लग रहा है आज मंदिर प्रांगण में आगे जेठ का बड़ा मंगल है आज। बहुत अच्छा लग रहा है। और लखनऊ में विशेषता है कि आज भगवान के दर्शन के साथ हमको प्रसाद भी ग्रहण करने का अवसर मिलता है हर जगह। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है भगवान के दर्शन अच्छे से। जी बहुत अच्छे से। अच्छा तो यहाँ पर खाना बनाना है कि नहीं? जी प्रसाद यहीं से ग्रहण करके जाएंगी? जी प्रसाद लेके जाएंगे। मैं बता दूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि बहुत से है कि आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, जो भंडारा हो रहा, बहुत से लोग में आज के दिन खाना नहीं बनता। क्यों? जो भंडारा करते हो पहले कह देते भाई खाना सबका परिवार के साथ आना है, भंडारे में ही प्रसाद ग्रहण करना है। तो आप देखते हो कितने भीड़ इतनी इकट्ठा हो चुकी है और ये वो भीड़ है जो इस समय भगवान को किन्नर समाज के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, जो किन्नर समाज के द्वारा भगवान को सुनाए जा रहे हैं भजन और लोग उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय। कैसे लग रहा है? अद्भुत अद्भुत। आप ये इसमें तो कोई सोच नहीं सकता कि क्या है जो हो रहा है, ये पहली बार किसी भी मंदिर में हो रहा है, दृश्य अद्भुत है। आपको लेके चलते हैं और लोगों से जानते हैं क्या कहना है उनका। हाँ बहुत वीडियो बना रही हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग भी आए हैं यहाँ पर भगवान के दर्शन। आपने सोचा था किन्नर समाज के द्वारा कभी मंदिर में भी भजन कीर्तन होगा? सोचा नहीं, नहीं कभी नहीं सोचा था। आज ये हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तस्वीर बदल गई है जी इन लोगों के लिए, हमारे लिए भी। पहले लोग इनको देख करके मतलब बहुत वो करते थे, इनको इज्जत नहीं देते थे, बट अब ऐसा हो रहा है ना कि भगवान इनको खुद मौका दे रहे हैं इस चीज़ का, इसलिए अच्छा लग। क्या नाम है? रीता सिंह। बहुत अच्छा लगा भगवान के दर्शन। हाँ बहुत अच्छे से। मंदिर में रोज? हाँ हमेशा आते हैं। तो आप देख सकते हो ये वो प्रांगण है लेटे हुए हनुमान मंदिर का, मंदिर का प्रांगण है जहाँ पर आप इस समय देखो स्क्रीन पे किन्नर समाज के द्वारा ये भजन रखा गया है। और ये भजन पे सब लोग एकदम मन मुग्ध होके एकदम नाच रहा है, नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, भगवान को राममय हो गया पूरा वातावरण। तो ये सिर्फ लेटे हुए हनुमान मंदिर में हो रहा है और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स के माध्यम से। जैसे कि हमने आपसे बताया कि हम आज लेटे हुए हनुमान मंदिर में हैं और जहाँ पर आयु श्रद्धालुओं से बात करी है, डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी से बात कर ली, किन्नर समाज से बात करी, लेकिन अब बात करते सेवादारों से, क्योंकि जिनके बिना आए हुए भक्तगण कहीं ना कहीं भटक ना जाए, उनको कोई समस्या ना हो, तो सभी सेवादार हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मैम जय जय सीताराम, मेरा नाम कृष्णा दुबे है। किस तरह से सेवा करते हैं सेवादार है हनुमान जी के? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कैसे, क्या आज का दिन रहा और कैसे कैसे आपने आज का दिन? मैम आज का दिन जो है बहुत अच्छा था और काफ़ी लोग आए और ये देख के हम लोग को अच्छा लगा कि बजरंग बली बाबा के इतने सारे भक्त भी हैं, उन भक्तों में से हम लोग भी हैं। जी तो आपको लगभग कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? मैं हम हमको लग रहा है 2500 या 2000 लोग लगभग आ चुके हैं और अभी लोग आएंगे और शाम तक हमको लग रहा है ज़्यादा 10-12 हज़ार 15 हज़ार लोग हो जाएंगे। जी हमारा नाम विनीत है। जी कैसा लग रहा है? और युवाओं को भक्ति की तरफ आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं युवा भटक जाता है, लेकिन कैसा लगा भगवान हनुमान जी के सेवादार बनके? कैसा लगता है जब भक्तगण आ रहे हैं और आज तो बम्पर भीड़ है, कैसे संभालना हो रहा है? जैसे अभी तो हम इस मंदिर में लगभग 14-15 सालों से आ रहे हैं खुद, और इस दरबार में हमने कई युवा को देखा है, हमारे साथी जो इधर उधर भटकते हैं वो हमारे साथ आते हैं
और इस समय जब बड़े मंगलों का दिन चल रहा है तो काफ़ी लोग जो अनजान थे तो एक दूसरे के और हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके सहारे काफ़ी लोग बाहर से दर्शन करने आ रहे हैं, जिसमें आप अधिक से अधिक बच्चों को और युवाओं को देखेंगे। वृद्ध लोग तो मतलब उनका तो मतलब इच्छा होती है मंदिरों में दर्शन करने की, पर जो आजकल का युवा है वो मंदिर की ओर आकर्षित नहीं होता है, पर इस मंदिर में सबसे अधिक आकर्षित होने वाला युवा और बच्चे ही है। जी तो मनीष जी आप भी हमारे साथ है, कैसा लग रहा है? हमारे बाबा का आज इतना अच्छा बड़े मंगलों का जो कार्यक्रम चल रहा है, और वैसे भी हमारे गुरुजी अपने आप में एक अनोखी प्रति मतलब कहते नहीं कि व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, और उनके एक नई चीज़ लेके चलते, देखिए आज देखिए किन्नर समाज को कितना सम्मान दिया, और उन्होंने भी कितने हर्ष उल्लास से हमारे बाबा के इस आयोजन में अपना पूर्ण मतलब सहयोग दिया। हम उनका भी अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं किन्नर समाज का कि हमारे मंदिर में आकर बहुत अच्छी भव्यता बढ़ाई, और आप सबका सहयोग और सभी भक्तों का जो मंदिर का अनुशासन है, जो मंदिर के अंदर एक दूसरे का सहयोग है, कितना कोऑपरेशन भक्तों का यहाँ देखने को मिलता है वो बहुत ही अतुलनीय है, और मैं अपने बाबा को बहुत सत सत नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ कि बस लोगों के अंदर यही श्रद्धा भाव बना रहे और प्रेम के साथ एक दूसरे का सहयोग करके सब आगे बढ़े। जी जी और ये थे हमारे साथ हनुमान मंदिर के सेवादार सभी लोग, जिन्होंने बताया किस तरह उनको अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना, हनुमान जी की सेवा करना। तो जैसे हमने बात की इस कड़ी में सेवादारों की, और बिना सेवादारों के मुझे लगता भक्तगणों की तपस्या या पूजा पूरी नहीं होती। मैम कैसा लग रहा है आकर, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान भी रहा है आज के कार्यक्रम में? हाँ बिल्कुल, हम लोगों को तो बहुत मतलब फर्स्ट टाइम है और बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है बेटे के लिए, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यरत हूँ मैं, बट ये है कि मैंने अपने बेटे के लिए माना था, आज फर्स्ट टाइम मैं तब से अब आई और बहुत चेंजेस देखने को मिले और बहुत ही अच्छा लगा आके। ये भंडारा भी हम लोगों ने कहा, बट यहाँ से सहयोग हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मिला, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मंदिर। क्या मांगा था आपने, किस तरह पूरा हुआ, क्या कुछ बता? हाँ, बेटे का, मेरा बेटा बहुत बीमार था लेकिन भगवान की कृपा से वो फिर सही है, अभी देखिए टहल रहा है, यहीं पे खेल भी रहा है, देखिए ना वो खेल रहा है उधर। हाँ वाइट वाला ये है। कैसा लगता है यहाँ आकर, इस प्रांगण में आकर? सुबह तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम आए, और हर मंगल में हम लोग को आना चाहिए यहाँ। जय श्रीवास्तव। ये मेरा बेटा है, हाँ हम लोग सिस्टर हैं। हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून, और कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से, उनकी दीर्घायु की वजह से भी भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए। हाँ वो तो है ही, भगवान की कृपा से ही सब काम हो रहा है। सुषमा श्रीवास्तव। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा दर्शन, बहुत ही अच्छा। हाँ दर्शन, सच्चा मंदिर है, मतलब संस्था से बहुत ज़्यादा ही सहयोग, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं, बस हम लोग जस्ट आए थे और आज आए हैं बस। हाँ बच्चे कैसे लग रहा आपको? जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। बोलो। तो मम्मी जिसके लिए आई थी वो ये बालक है, ये छोटा हमारा हनुमान जी आया हुआ है, जिनके वजह बीमार था लेकिन अब भगवान की कृपा से वो ठीक है, तो माँ की तरफ से भगवान को शुक्रिया अदा किया है। आज जेठ का बड़ा मंगल है और इस उपलक्ष्य में लेटे हुए हनुमान मंदिर में जो आयोजन हुआ है वो हमने दिखाया आपको पूरा कार्यक्रम, और बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। नमस्कार।
थोड़ा थोड़ा पीछे कर दीजिए, थोड़ा पीछे कर दीजिए। कितने बजे भैया भंडारा शुरू हो गया था? भंडारा सुबह शुरू हो गया था। कितने बजे? 9:30 बजे। अच्छा, कितने लोग आ चुके हैं भैया? ये तो पता ही नहीं कितने लोग आ चुके हैं। गिनती है बालाजी की कृपा ही है। अच्छा, 2000 कम से कम। सर बताओ, और बता, बूंदी उन्दी है? आओ ना, इतनी जल्दी आओ ले। क्या यही पूरी खाना दीजिए।